बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक जात के बबरकत नाम से जो दिलों के राज बखूबी जानता है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल पर। ऐशवाइस की जानिब से तमाम सुनने और देखने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। समीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुए हैं, अगर आप इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ कर लेते हैं तो आपके रिज़क के हवाले से जितने भी मसाइल हैं सब दूर हो जाएंगे। मसलन आप रिज़क की तंगी का शिकार हैं या आप बेरोजगार हैं तो आपकी जिंदगी से रिज़क की तंगी दूर हो जाएगी। रिज़क में बेपनाह बरकत और इजाफा होगा, रिज़क कुशादा हो जाएगा। अल्लाह पाक गैब से असबाब बनाएगा, आप जिंदगी भर किसी के मुख्ताज ना होंगे। सामीन मोहतरम, रिज़क जितना मुकद्दर में होता है उतना ही मिलता है, इसको बढ़ाने का वैसे तो कोई खास वजीफा नहीं होता। हाल बत्ता दुआ करनी चाहिए, दुआ करने से अल्लाह पाक सुकून अता फरमाएंगे। जब अल्लाह पाक से ताल्लुक बढ़ जाता है फिर परेशानी नहीं होती। अल्लाह से ताल्लुक बनाने का तरीका ये है कि खूब मांगा जाए। सामेईन, आज का ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब है, इस अमल को करने से रिज़्क़े हलाल कहाँ कहाँ से आएगा कि अकल दंग रह जाएगी। अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से रिज़्क़ अता फरमाएंगे। समीन, आज का ये वजीफा हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, रिज़क की तंगी दूर करने के लिए कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज का इस्तेमाल करें और खुद भी दुआ मांगें और अपने बीवी बच्चों से भी कहें कि वो भी दुआएं मांगें और गुनाहों से तौबा करें। छोटे बड़े हर गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करें। गफलत और लापरवाही से कोई गुनाह हो भी जाए तो फौरन तौबा और इस्तग़फार करें, इसलिए कि गुनाह भी रोजी में रुकावट का सबब बनते हैं और तौबा और इस्तग़फार से रोजी के बंद दरवाजे खुलते हैं। आइए अमल का तरीका जानते हैं। समीन, जो शख्स चाहता हो कि उसके रिज़क में बेपनाह इजाफा हो, रिज़क की तंगी दूर हो जाए, रिज़क में कुशादगी और वुस्त पैदा हो, बरकत पैदा हो, तो वो सुबह के वक़्त रोजाना 70 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ा करे। अल्लाहु लतीफुम बी इबादिही यर्ज़ुकु मन यशाउ वहुवल कवीउल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बी इबादिही यर्ज़ुकु मन यशाउ वहुवल कवीउल अज़ीज़। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इस अमल की बरकत से आपके रिज़्क़ के हवाले से तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाएंगे, जिंदगी भर किसी के मुख्ताज नहीं होंगे। इतना रिज़्क़ मिलेगा कि दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। उम्मीद है सामीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।